Mariners, today's video is for tanker cargo measurements. In this, we have to solve a tanker cargo calculation numerical. So before solving a numerical, we have to remember some important terms and formulae. So we start karte hain. The important terms used, TOV, it is total observed volume. In this, volume of oil plus total water and sediment measured at oil temperature and prevailing pressure. इसके अंदर क्या है कि आपका जो टैंक के अंदर पूरा वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस पूरा जो पानी है और जो उसके अंदर सेडिमेंट जमा हुआ है वो जो ऑयल के टेम्परेचर के ऊपर और जो टैंक के अंदर प्रेशर है वो मेजर किया हुआ है वो टोटल ऑब्जर्व वॉल्यूम है. ऐसे ही नेक्स्ट है ग्रॉस ऑब्जर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस डिजोल्व वाटर प्लस सस्पेंडेड वाटर एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट बट एक्सक्लूडिंग फ्री वाटर एंड बॉटम सेडिमेंट मेजर्ड एट ऑयल टेम्परेचर एंड प्रिवेलिंग प्रेशर. ग्रॉस ऑब्जर्व वॉल्यूम के अंदर क्या है, जो आपका ऑयल का पूरा वॉल्यूम है, जो उसके अंदर वाटर डिजोल्व है, सस्पेंडेड जो हल्का हल्का पानी जो उसके अंदर सस्पेंडेड हुआ है, जो सेडिमेंट भी सस्पेंडेड हुए हुए हैं, लेकिन जो हमारा जो फ्री वाटर जो ऑयल से अलग वाटर है और जो उसका बॉटम में जो सेडिमेंट जमा हुआ है हम उसको मेजर नहीं करते. हम लोग उसको मेजर ऑयल टेम्परेचर एंड प्रिवेलिंग प्रेशर के ऊपर मेजर करते हैं. नेक्स्ट है हमारा जीएसवी, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम. इट इज वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंक्लूडिंग डिजोल्व वाटर सस्पेंडेड सेडिमेंट बट एक्सक्लूडिंग फ्री वाटर एंड बॉटम सेडिमेंट कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन. इसके अंदर क्या है कि जो हमें एट द टाइम जो टेम्परेचर गिवन रहता है उस टाइम पे कि हमारा टैंक का टेम्परेचर ये था, हमने आगे इतना बढ़ाया, तो हमें जीएसवी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कैलकुलेट करना आता है. तो वी हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन इन दैट क्वेश्चन. इसके अंदर फ्री वाटर जो ऑयल से अलग जो फ्री वाटर है वो कैलकुलेट नहीं होता, जो बॉटम सेडिमेंट है वो कैलकुलेट नहीं होता. नेक्स्ट इज टीसीवी, टोटल कैलकुलेटेड वॉल्यूम. इन टोटल कैलकुलेटेड वॉल्यूम जीएसवी जो ये है प्लस फ्री वाटर मेजर्ड जो उससे अलग फ्री वाटर है ऑयल से अलग एट टेम्परेचर एंड प्रिवेलिंग प्रेशर, जो करंट टेम्परेचर और जो प्रिवेलिंग प्रेशर रहेगा उसके ऊपर मेजर करेंगे. इसके अंदर सेडिमेंट्स हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते. वीसीएफ वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, ए फैक्टर डिपेंडेंट अपॉन ए ऑयल टाइप डेंसिटी एंड एपीआई प्रिवेलिंग टेम्परेचर विच करेक्ट द वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू द दोज एट स्टैंडर्ड रेफरेंस टेम्परेचर 15 डिग्री टेम्परेचर एट और 80 डिग्री फारेनहाइट. इन दिस एएसटीएम टेबल 54A एंड 64 पेजेस या एएसटीएम टेबल 54A एंड 64 इज यूज. इसके अंदर क्या होता है कि ये फैक्टर रहता है जो ऑयल के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑयल को करेक्ट करता है, जो कि डेंसिटी और एपीआई के ऊपर गिवन रहता है, और ये हमें 15 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो डेंसिटी गिवन रहती है उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर ले जाना पड़ता है. इसके अंदर एसटीएम 54A एंड 64 यूज होता है. नेक्स्ट इज डब्ल्यूसीएफ, डब्ल्यूसीएफ इज वेट करेक्शन फैक्टर, ए फैक्टर डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी एंड एपीआई फॉर कन्वर्टिंग वॉल्यूम टू द वेट इन एयर एसटीएम टेबल 56 एंड 13. जो आपकी एसटीएम टेबल है ये वाली, इसके अंदर 56 एंड 13 गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका फैक्टर यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है. अगर आपका वैक्यूम में डेंसिटी गिवन है उसमें से -0.0011 हम माइनस करते हैं ताकि हमारा जो वेट है वो एयर में आ जाए, क्योंकि अगर आपको डेंसिटी वैक्यूम में गिवन होगी तो उसका एक तरीका है कि हमें वो एयर में लेके जाना ही पड़ता है. तो अभी हम चलते हैं स्टेप्स टू सॉल्व टैंकर कार्गो न्यूमेरिकल. तो टैंकर कार्गो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. सी फ्रॉम द विच प्लेस साउंडिंग एंड अलेज इज गिवन. इन क्वेश्चन जहां पे आपको साउंडिंग और अलेज गिवन है हमें वो मेजर करना है कि कहां से हमने लिया है. एट व्हाट टेम्परेचर साउंडिंग गिवन, और किस टेम्परेचर पे हमें साउंडिंग गिवन है. कैलकुलेट जीओवी ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, उसके बाद हम वीसीएफ लगाएंगे उस जो जीओवी जिस टेम्परेचर के ऊपर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. फिर गेट जीएसवी. इसके अंदर जीएसवी क्या होता है कि हमारा
जेएसवी ना सबके लिए इक्वली रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। हम जेएसवी प्राप्त करते हैं या जेएसवी हमें कलेक्ट करते हैं, उसके बाद रीड फुल क्वेश्चन अगेन एंड देन सॉल्व व्हाट एवर आस्क। तो हमें दोबारा फिर पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि उसमें क्या गिवन है, हमें वो निकालना पड़ता है। जो फॉर्मूला जो मेनली जैसे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं वो टैंकर कैलकुलेशन के अंदर क्या यूज होता है, तो फॉर्मूलाज आर जीओवी इज इक्वल टू एल बी एच एट दैट टेम्परेचर। ओके, तो जीएसवी इज इक्वल टू जीओवी एट दैट टेम्परेचर इंटू में वीसीएफ एट गिवन टेम्परेचर एंड जीएसवी रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। एज आई डिस्क्राइब प्रीवियसली इन दिस स्टेप्स, जीएसवी ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स। इफ वी हैव टू कैलकुलेट वेट इन मेट्रिक टन, देयर इज अ फॉर्मूला वेट इन मेट्रिक टन जीएसवी इंटू में WRF। WRF इज इक्वल टू डेंसिटी इन वैक्यूम माइनस 0.0011। नोट, इफ डेंसिटी इन एयर नो नीड टू माइनस 0.0011। इफ डेंसिटी इन वैक्यूम देयर शुड बी सब्ट्रैक्शन ऑफ 0.0011 इन डेंसिटी टू कैलकुलेट वेट इन मेट्रिक टन। वी हैव कंप्लीटेड अवर इंपॉर्टेंट टर्म्स, नाउ वी हैव टू सोल्व अ न्यूमेरिकल। सो हेयर इज अ न्यूमेरिकल, अ बॉक्स शेप टैंक, अ बॉक्स शेप बंकर टैंक, इट्स साइज और इट्स पर्टिकुलर्स आर गिवन, इज 28 × 15 × 12, वॉज लोडेड एट 40°C टू 98% ऑफ कैपेसिटी। इफ FO इज नाउ हीटेड टू 50°C एंड 20% ऑफ FO इज यूज, कैलकुलेट अलेज दैट इज नाउ रिमेनिंग इन टैंक, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिमेनिंग इफ अलेज पोर्ट इज एक्सटेंडेड अप टू 1.5 meters अबव डेक। और डेंसिटी हमें 0.8825 गिवन है। तो हम पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम क्या है, एक टैंक है अपने पास, उसका डायमेंशन क्या है, 28 meters लॉन्ग, 15 meters वाइड एंड 12 meters डेप्थ। फिर वो बोलता है लास्ट में, आपने क्या बोला इसने कि अबव डेक, यहां पे डेक से एक अलेज है वो 1.5 है। ओके, तो हम क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। हम पहले जैसे हमें, मैं फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए थे, पहले हम जीओवी निकालेंगे जीएसवी निकालेंगे, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट जीओवी इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 28 × 15 × 12, इट इज जीओवी इक्वल टू 5040 एंड इट इज अपलोडेड अप टू 90%, सॉरी इट इज लोडेड अप टू 98%। सो 98% ऑफ जीओवी इज इक्वल टू इनटू में 0.9839.2 meters³। ओके, सो नेक्स्ट इज टू फाइंड आउट जीएसवी। सो जीओवी व्हाट इज व्हेन लोडेड एट 40°C, 40 × VCF 40, देन जीओवी इज 4939.2 × वीसीएफ वी हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट इन टेबल नंबर 54 अकॉर्डिंग टू डेंसिटी गिवन, डेंसिटी इज 8825 एंड टेम्परेचर इज एट 40°, देन वी हैव टू इंटरपोलेट दिस double 8 2 5 इज कम बिटवीन दिस एंड वी हैव 40°C 40°C। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट VCF एट 40, तो वी हैव टू गो इंटरपोलेशन मोड,
0.880, that is 0.9811, M1 0.885, comma it is 0.9813 M. Now we have to find out 0.8825, shift 222, it is 9812. Okay, 0.8812. So GSV is equal to 4939.2 into my 0.9812 is equal to 4846.343 meter cube. Okay, now GOV 50, we have to find GOV 50 degree Celsius. So GOV 50 nikalne ke liye, what we have to do, GSV divided by VCF 50. As per this we have to find now 50 degree VCF. I have find out already, it is 4846.343 and it is 0.9737. So GOV 50 is equal to 4977.244 meter cube. Now question is said that 20% of FO is used, so 20% of GOV 50 is equal to into my 20, point 2, it is 9954489 meter cube. Remaining 4977.244 minus answer 3981. Meter cube. So sounding, as we have to find A part, sounding is 3981.795 divided by length and breadth, 28 into my 15. Is 9.48 meter. So allage in tank is equal to 12 minus 9.48 is equal to 12 minus answer 2.519 meter. Total allage, is equal to 2.519 meter plus 1.5 meter is equal to plus 4.019 meter. Now we have to find out quantity of oil remaining in the tank. So is equal to weight in metric ton is equal to GSV into my WRF. As GSV is, have to find out, GSV 50 is equal to GOV 50 into my
VCF 50 and WRF is density minus 0.0011. okay, then our GSV is remaining 3981.795 into में our VCF is 37 into में our density is given 8825 into में 0.0011. so weight in metric ton is equal to 39.3981.795 into में 0.9737 into में 0.8825 into में here it is minus 0.8825 minus 0.0011. It is answer is 3417.25 metric ton. So here we have completed a tanker cargo numerical. It is my final answer. Please, if you have any doubt, comment in the comment section box, and please like and subscribe the video. Thank you. Michael's on the track.